दोस्तों आप में से काफी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनका ये क्वेश्चन था कि क्या डाउनलोडिंग साइट्स पे हमें अप्रूवल मिलता है या फिर नहीं मिलता है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि जो मूवी डाउनलोडिंग साइट होती हैं या फिर एपीके डाउनलोडिंग साइट हुई या फिर जो सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग साइट्स होती हैं उस पर अप्रूवल मिलता है या फिर नहीं मिलता है। ओके, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप इस पर अप्रूवल लेना चाहते हो तो कैसे आप अप्रूवल ले सकते हो। ओके, कुछ ट्रिक एंड टिप्स नहीं है बस, मतलब सॉरी, गूगल की कुछ पॉलिसी है, अगर आप गूगल की कुछ जो पॉलिसी है उनको ध्यान में रखते हो और उस पर बिल्कुल उसी तरह काम करते हो उनकी पॉलिसी के अंडर में रह के, तो आपको इजिली अप्रूवल मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो को अगर पूरा देखते हो तो आपको एपीके साइट्स पे अप्रूवल की जो पूरी नॉलेज है वो मिल जाएगी। ओके, तो मैं तो यही कहूंगा कि वीडियो को पूरा देखो और एपीके साइट पे काम करना है तो काम कर सकते हो, बाकी जो नॉलेज है वो तो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा ही। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, और आप यहाँ पर सब्सक्राइबर देख सकते हो, जो सब्सक्राइबर हैं 2.5K हैं, तो थोड़ा और सपोर्ट दिखाओ, इसे 5K तक का पहुंचाने की कोशिश करो। ओके, दोस्तों में शेयर करो, अपने जो इधर उधर के दोस्त हैं उनको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कराओ। ओके, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो आप में से काफी ऐसे यूजर हैं जिनका ये क्वेश्चन होगा कि एपीके साइट पे अप्रूवल मिलता है या नहीं मिलता है, हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। ओके, तो देखो आज की जो ये वीडियो में है मैं पूरा क्लियर कर दूंगा कि एपीके साइट पे अप्रूवल मिलता है या फिर नहीं मिलता है, प्रूफ भी दिखाऊंगा, साथ में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अप्रूवल ले सकते हो। ओके, तो देखो बात करते हैं सबसे पहले अप्रूवल की। तो मैंने अभी क्या किया कि एक कीवर्ड सर्च किया तो यहाँ पर मुझे कुछ रिजल्ट मिले, उस रिजल्ट में कुछ साइट्स मैंने जब चेक की तो उसमें कुछ साइट्स के अप्रूवल थे। ओके, और कुछ साइट्स के अप्रूवल नहीं थे। तो यहाँ पर दो साइट मैंने ओपन की है, इन दोनों साइट्स के अप्रूवल हैं। ओके, बट बहुत सी एक दो साइट मैंने ऐसे भी देखी जिनके अप्रूवल नहीं है, और मैं बात करूंगा अपनी की मैंने भी एपीके साइट बनाई थी तो क्या मुझे अप्रूवल मिला कि नहीं मिला। ओके, तो देखो बात ये होती है कि जो अप्रूवल है वो हमें गूगल की पॉलिसी के अंडर में रह के ही मिलता है। जब हमारी वेबसाइट पे जितने भी हम कंटेंट डाल रहे हैं या फिर जिस तरह हम काम कर रहे हैं वो गूगल की पॉलिसी के हिसाब से होगा तो गूगल हमारी वेबसाइट को अप्रूवल दे देगा। ओके, तो जितनी भी ये डाउनलोडिंग साइट्स होती हैं, इन डाउनलोडिंग साइट्स पे होता क्या है कि एक तरीके से अगर आप कोई डाउनलोड करने के लिए कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हो तो वो इनलीगल हो जाता है। बट इनलीगल कब होता है, जब आप किसी पेड चीज को फ्री में डाउनलोड करने को दे रहे हो, या फिर मान लो कोई ऐसी सॉफ्टवेयर है या फिर कोई ऐसी सर्विस है जो पेड है और आप क्या कर रहे हो उसे इधर उधर से किसी भी तरह इसको बाय करके या फिर कुछ करके उसे क्या कर रहे हो, फ्री में सेल कर रहे हो, मतलब फ्री में उसे डाउनलोड कर रहे हो, फ्री में यूजर को दे रहे हो, तो इससे होता यह है कि जो मेन कंपनी होती है उनको बहुत ज्यादा लॉस होता है। इसलिए ये सब जो चीजें होती हैं सब इनलीगल होती हैं। ओके, तो इसलिए एपीके साइट पे बहुत ज्यादा झंझट होता है अप्रूवल का। ओके, इसलिए बहुत लोग इसको प्रिफर नहीं करते। बट अगर आप कोई वेबसाइट पे काम कर रहे हो, मतलब आपने अभी वेबसाइट बना ली है और आप उस पर अप्रूवल लेना चाहते हो, तो आप बस इतना ध्यान में रखो कि गूगल हमें ये कहता है कि आप अगर किसी चीज की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, मान लो जैसे आपका कोई डाउनलोडिंग साइट है तो उस पर आप कोई ऐसे सॉफ्टवेयर या फिर कोई ऐसी सर्विस के बारे में बता रहे हो, डिटेलिंग कर रहे हो कि हाँ ये जो सॉफ्टवेयर है इसका ये यूज है, ये वर्क करता है, इस तरह इसके फीचर्स हैं, तो उस केस में आपकी वेबसाइट पे अप्रूवल आपको मिल जाएगा। बट अगर आप वहीं पर कुछ उसके बारे में गलत बता रहे हो या फिर ये कह लो कि आप उसको फ्री में दे रहे हो कि हाँ ये पेड का है, आप मेरी वेबसाइट से आइए इसे फ्री में डाउनलोड करिए, तो ये एक तरीके से इलीगल हुआ। ओके, तो मैक्सिमम जितने भी एपीके होते हैं वो सब जो होते हैं फ्री होते हैं बट कुछ पेड होते हैं, तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आपको फ्री वाले जो एपीके हैं उनकी अच्छे से इन्फॉर्मेशन पहले देना है यूजर को, उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर उनका पेड वर्जन है तो पेड वर्जन की आपको लिंक नहीं देनी है अपने ब्लॉग में। ओके, आपको फ्री वर्जन वाले जो एपीके हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर है उनकी लिंक देनी है। अगर मैं अपनी वेबसाइट की बात करूं तो मैं क्या करता हूं कि जितनी भी मेरी मतलब वेबसाइट है या फिर मैं जो भी आर्टिकल लिखता हूं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं जितने भी ऐसे आर्टिकल होते हैं मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो फ्री नहीं होते हैं, पेड होते हैं, तो उनकी मैं क्या करता हूँ लिंक नहीं देता हूँ उनको, जो है मैं डाउनलोडिंग लिंक देता ही नहीं हूँ। और मैं मोस्टली जितने भी एपीके हो या सॉफ्टवेयर हो उनकी लिंक नहीं देता हूँ, अगर मैं लिंक भी देता हूँ तो मैं सीधे
उस मतलब जो कंपनी की मेन ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है उनकी लिंक दे देता हूँ कि सीधे यूजर वहां पर जाए और वहां से बाय करे। और उसके बाद मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे इस पे काम किया जाता है, किस तरह उस पे काम होगा, क्या क्या उसके फीचर है, क्या क्या फंक्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो ये पूरा एक यहाँ पर आपको देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट है जहां पर मैंने ये सॉफ्टवेयर था इस पे मैंने काम किया है, इस पे मैंने आर्टिकल लिखवाया, तो मैंने ये चीज बताई है। तो यहाँ पर मुझे तो अप्रूवल मिल गया था। ओके, बट अगर आप कोई न्यू साइट बना रहे हो और उस पे आपने जरा से भी मिस्टेक कर दी, मान लो जैसे आपने कुछ पेड सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, उसकी लिंक दे दी, या फिर कुछ ऐसा काम मतलब कुछ भी ऐसी चीज प्रोवाइड कर दी, तो देखो अगर आप एपीके साइट पे या फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग साइट पे काम करना चाहते हो तो सबसे पहले बस इतना जान लो कि आपको गूगल की पॉलिसी के अंडर में रह के काम करना है। ओके, अगर आपने जरा से भी कुछ ऐसा किया जिसे गूगल की पॉलिसी में कुछ इधर उधर हुआ तो आपकी साइट पे अप्रूवल फिर नहीं मिलेगा। एक तरीके से रिस्क है, जिनको मिल गया उनके लिए बहुत बेस्ट है, जिनको नहीं मिला तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसी साइट पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क होता है। आप पैसे लगाओगे, सब कुछ करोगे, बट इस पे कॉपीराइट का भी बहुत इश्यू होता है और अप्रूवल का भी बहुत इश्यू है, तो आप लोग कोई दूसरी नीच पकड़ सकते हो, बाकी आप लोगों के ऊपर है। ओके, और अगर करना ही चाहते हो तो बस इतना याद रखो कि कोई भी आर्टिकल लिखने से पहले उसके बारे में पूरा पता कर लो और पूरा डिटेलिंग कर लो कि हाँ जो भी चीज मैं बताऊंगा वो इन्फॉर्मेशन पर्पज से रहेगा, ताकि गूगल को ये लगे कि हाँ ये जो बंदा है ये जो भी चीज बता रहा है इस पेड सॉफ्टवेयर के बारे में या पेड एपीके के बारे में वो खाली इन्फॉर्मेशन पर्पज से बता रहा है, तो उस केस में आपको अप्रूवल मिल सकता है। बट अगर आप कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो कि यूजर को कुछ भड़का रहे हो या फिर कुछ ऐसा आप धमका रहे हो या फिर कुछ फ्री में ही बांटे दे रहे हो, तो उस केस में आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। ओके, बहुत कोशिश करनी पड़ जाएगी, इससे बढ़िया है कि कोई दूसरी नीच को पकड़ो। मैं पहले ही आपको कई नीच बता चुका हूं, उन पे आप काम कर सकते हो। बाकी रही बात अप्रूवल की, तो अगर आप इजिली अप्रूवल लेना चाहते हो तो मेरा ये पूरी प्लेलिस्ट है, इसमें टोटल 8 वीडियो है, आप कोई भी वीडियो जाके देखो, सारी वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में बता रखा है कि कैसे आपको अप्रूवल मिलेगा। ओके, तो इन सब चीजों को फॉलो कर लेना, देन उसके बाद देखना आपको इजिली अपने किसी भी वेबसाइट पे इजिली आपको अप्रूवल मिल जाएगा। ओके, तो यही पूरा मतलब एक पूरा वीडियो बनाने का बस यही मेरा मेन था कि आप लोगों को अवेयर कर दूं कि अगर आप एपीके पे काम करना चाहते हो तो बस इतना ध्यान रखो कि कोई ऐसी एक्टिविटी मत करना जिससे गूगल की जो पॉलिसी है उसमें कुछ इधर उधर का चेंज हो और उसके बाद आपको अप्रूवल ना मिले। ओके, तो बस इतना ध्यान रखो, पॉलिसी के अंडर में रह के काम करोगे तो अप्रूवल मिलेगा, उससे बाहर कुछ इधर उधर स्मार्ट बनोगे अप्रूवल भी नहीं पाओगे और रैंकिंग भी नहीं पाओगे। ओके, तो बस आपके ऊपर है, जैसा आपको काम करना है वैसा काम करो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक भी करना। ओके, सपोर्ट करते रहो, वीडियो आती रहेगी डेली, आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छी नॉलेज शेयर करता रहूंगा। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।